बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज यू नो दैट दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, द फर्स्ट लेक्चर, एंड ऑन क्लासिकल पोइट्री टू। सो वी हैव द डिस्कशन, द ब्रीफ डिस्कशन वी हैड ऑलरेडी हैड ऑन क्लासिकल पोइट्री, एंड I think without wasting time on the introduction of classical poetry, we should move towards the main topic. So, at first, we are going to study Alexander Pope, okay? And who is very interesting, okay, the poet. Alexander Pope, he was born on 21st May 1688 in London, England, and he died May 30, 1744, again in London. Okay, he was a poet, a satirist of the English Augustan period. Remember this, that there are some of the ages, Augustan age, in age of enlightenment and all. So he was the poet of Augustan age, Augustan period, and he was best known for his poems. There are several one, and among them there was The Rape of the Lock also, okay, which is a part of your course outline and which is going to be discussed in this class also, inshallah. And he is one of the most epigrammatic of all English authors. Now, epigrams are the short witty statements, okay, the mocking one that creates laugh, okay ji. But basically, if we are generally talking about epigrams, so these are the witty statements, short witty statements. Okay, ji. Then comes Pope's, there are some of the other details also on Pope's father. Pope's father, he was a wholesale linen merchant, and he was retired from business in the year of his son's birth, and in 1700 he went to live at Winfield in Winchester Forest. And the Popes were Roman Catholics. So isme ye details you are going to memorize ke his father was a linen merchant, ठीक है, और उसके बाद उसे बिजनेस छोड़ दिया और उसके बाद विनफील्ड चले गए वो। और जो पोप्स थे, यानी कि इनकी फैमिली, दे वर रोमन कैथोलिक्स, ठीक है, और उनकी जो दे वर दे केम टू नो सेवरल नेबरिंग कैथोलिक फैमिलीज हु वर टू प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन इन द पोएट्स लाइफ। जैसे पोप्स रिलीजन प्रोक्योर्ड हिज सम लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, उसको कुछ मिले पोप को, जिसमें वेल्दी स्क्वायर जो था, एक जॉन कैरल, ठीक है, जिसने इसको परजुएट किया था कि वो लिखे द रेप ऑफ द लॉक। इसने इसको परजुएट किया था कि वो द रेप ऑफ द लॉक लिखे ऑन एन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग कैरल्स रिलेटिव्स, ठीक है, उसके रिलेटिव्स में कुछ तरह का सीन था, हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसने उसको इनकरेज किया था और इसको परजुएट किया था कि ये द रेप ऑफ द लॉक लिखे। द रेप ऑफ द लॉक बेटा एक मॉक एपिक है जो हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जो है वो मजे की है, ठीक है। अच्छा जी, एंड मार्था ब्लाउंट आल्सो टू होम पोप एड्रेस सम ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ऑफ हिज पोम्स, एंड टू होम ही बिक्वीथ सम ऑफ मोस्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको उसने अपनी विल में कुछ प्रॉपर्टी भी उसके लिए जो है वो उसको दी थी। अच्छा जी, बट हिज रिलीजन ऑल्सो प्रिक्लूडेड हिम फ्रॉम अ फॉर्मल कोर्स ऑफ एजुकेशन, नहीं ले सके सिंस कैथोलिक्स वर नॉट एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटीज, क्योंकि कैथोलिक्स को, के आपको बताया कि टू मेन सेक्ट्स थे वहाँ पे लंदन में, इंग्लैंड में, जो है वो एक जो है वो कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स, और दूसरे प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। तो ये जो है वो कैथोलिक था, ठीक है, और ही वाज नॉट एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी, सो ही वाज ट्रेन्ड एट होम बाय कैथोलिक प्रीस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड अटेंडेड कैथोलिक स्कूल्स, वो भी उसने अटेंड किया, ओके। और उसके बाद में जी he was mainly self-educated, ठीक है, क्योंकि universities में तो he was not going, so he was a
he was a sort of the person who was very eager reading Latin, Greek, French, and Italian. So which he managed to teach himself. खुद से उसने पढ़ा उसको and later on he started imitating the poets he read. जिन पोइट्स को उसने पढ़ा उनको उसने कॉपी भी करना स्टार्ट कर दिया. सो द बेस्ट ऑफ दीज अर्ली राइटिंग्स आर ओड. उसने कुछ उसकी ओड्स बहुत मशहूर है कीट्स की, लेकिन इसने कुछ एक ओड ये भी इसने भी लिखी थी, ओड ऑन सोलिट्यूड, ठीक है. और उसके बाद में उसने जी एक पैराफ्रेज किया था उसने ऑफ एंड अ पैराफ्रेज ऑफ सेंट थॉमस कैंप्रेस. और जो इसकी दोनों ये वाली राइटिंग्स थी वो उनको क्लेम किया जाता है कि उसने जब वो 12 साल का था तब लिखी थी, ठीक है. तो ये हम जो ब्रीफ कुछ डिटेल्स हैं, जिस तरह जॉन कैरल की हो गई, ठीक है, कि वो उसका फ्रेंड था और उसने इसको प्रोवोक किया था, पर्सुएड किया था कि वो द रेप ऑफ द लॉक लिखे, ठीक है जी. अदर देन दैट I think these details are enough. Now we will move towards the summary of the Rape of the Lock. Guys, remember one thing that you are going to read each and everything on the daily basis at home. Okay? Because reading is a necessary element. Without that, as you know that in the previous semester you also worked with me, so okay. So the Rape of the Lock was written by Alexander Pope and first published in 1712. ठीक है, 1712 में जो है वो ये publish हुई थी, then reworked, उसके ऊपर दोबारा काम किया गया and published again, दोबारा publish किया गया in 1714 में. So the poem is a mock epic. Now the question is mock epic क्या होती है? एपिक आपको पता है कि लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म होती है, लेकिन बेटा जो मॉक एपिक होती है वो लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म तो होती है बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा उसके अंदर वो मतलब फनी स्टेटमेंट्स होती है, मतलब फनी होती है वो. दैट इज रिटन फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग लाफ्टर एंड अम्यूजमेंट, ठीक है. सो दैट सेटराइजेस द अपर क्लास इन लंडन एट द टाइम. जिसने क्रिटिसाइज किया है अपर क्लास को जो है वो लंडन की उस वक्त में, जो लंदन की जो अपर क्लास थी ना उसको वो लिखकर इसने क्रिटिसाइज किया है. अब जो है वो इसने जो जॉन कैरल था उसने इसको प्रोवोक किया था कि वो लिखे, और इसका भी हम लोग इसमें जो है वो देखेंगे कि व्हाट वाज द सीन एक्चुअली. अच्छा जी, स्टोरी के अंदर ना कुछ इस तरह से है, वैसे मैं आपको इन अ ब्रीफ सेंस बता देती हूँ कि जो बेलिंडा है उसका जो लॉक होता है वो जो बैरन होता है वो काट देता है, ठीक है, और उसकी वजह से ना वो इतना रोती चिल्लाती है बहुत ज्यादा. तो मतलब कितनी छोटी सी बात थी कि उसने उसका लॉक काट दिया. और उसमें कुछ ऐसी भी डिटेल्स हैं जिसमें वो कहती है कि मतलब मेरे सर के बाल ना काटता है नॉल. तो उसके उसमें सेंस ये थी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं तो उस पर दे डोंट केयर, लेकिन एक इतनी छोटी सी बात पे दे हैव क्रिएटेड सो मच इश्यू के वो मतलब पता नहीं क्या क्या जो है ना वो उस पर जो है ना वो इस तरह की चीजें उसमें होती हैं सिर्फ लॉक कट जाने पे. अच्छा ना, द स्टोरी फोकसेस ऑन द सेंट्रल कैरेक्टर बेलिंडा है हुज लॉक ऑफ हेयर इज कट ऑफ एट अ सोशल गैदरिंग. सोशल गैदरिंग में उसका लॉक जो है वो उसके हेयर का वो एक काट दिया जाता है, बैरन उसको काट देता है जी. Although trivial to most, ये बहुत छोटी सी बात थी, Belinda is outraged that her lock of hair has been cut by the Baron. कि Baron ने उसका क्यों लॉक काट दिया. So in the rape of the, आप देख रहे हो कि लॉक का rape of the lock, तो लॉक ये बालों वाला लॉक था. तो उसके लिए उसने टाइटल ही कितना मॉकिंग है कि rape of the lock, कि that the lock was raped, ठीक है, the lock was raped by Baron. तो ये इतना जो इसी के अंदर ही बहुत ज्यादा मॉकिंग सॉर्ट ऑफ थिंग है, फनी है कि हाउ द लॉक वाज रेप्ड. ओके, सो इन द रेप ऑफ द लॉक पॉप यूजेस बेलिंडा एंड द बैरन, दोनों को यूज करता है जो कि कैरेक्टर्स हैं उसके, टू मॉक टू ऑफ हिज एक्वेंटेंसेस, दो लोगों को करने के लिए, अरबेला फार्मर थी और लॉर्ड पीटर था. इन दोनों को जो है ना इसने मॉक करने के लिए जब वो ये लिखा था
जो एक्चुअल स्टेट जो एक्चुअल सिनेरियो में सो द पोम फॉलोज द इवेंट्स ऑफ द नाइट लीडिंग अप टू बेलिंडास हॉरिफिक लॉस. उसके बाद में हमें इस तरह से कुछ पता चलता है. और ये इसकी फैमिली में जो जॉन कैरल होता है उसी की फैमिली में उसके होते हैं जहाँ पे अरबेला और ये लॉर्ड पीटर. तो जो इस तरह का इनका सीन होता है तो इस पे वो इसको प्रोवोक करता है कि यू कैन राइट अवर इट, क्योंकि इस पे वो बहुत ज्यादा उनकी फैमिली के इश्यूज बन जाते हैं इस चीज पे. अच्छा, पोप रोट द रेप ऑफ द लॉक इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट. उसने रिक्वेस्ट पे लिखी थी, मेड बाय हिज फ्रेंड जॉन कैरल. ठीक है, जॉन कैरल के जो रिक्वेस्ट पे अ प्रोमिनेंट रोमन कैथोलिक ऑफ द टाइम, जो कि उस टाइम का बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोमन कैथोलिक था. ठीक है, Carol explained that his friend Lord Peter had cut off a lock of Arbella farmer's hair. कि उसका जो फ्रेंड है ना कैरल का, उसने जिसका नाम लॉर्ड पीटर था, उसने अरबेला का जो एक लॉक है उसको कट कर दिया. ठीक है जी. और ever since the incident, तब से लेके अब तक, तब से लेके मतलब जब से उसने लॉक काटा, the families had been feuding. फैमिलीज की आपस में लड़ाई चल रही है बहुत ज्यादा, सिर्फ इस बात से कि जो है वो उसने उसका हेयर का लॉक काट दिया था. तो इन ऑर्डर टू मेक लाइट ऑफ द सिचुएशन पोप रोड द रेप ऑफ द लॉक. ठीक है, उसमें उसने कहा द स्टीलिंग ऑफ मिस बेल फार्मर्स हेयर वॉज टेकन टू सीरियसली एंड कॉज्ड एन एस्ट्रेंजमेंट बिटवीन द टू फैमिलीज दाउ दे हैड लिव्ड सो लॉन्ग इन ग्रेट फ्रेंडशिप बिफोर. पहले उनकी इतनी दोस्ती थी, लेकिन सिर्फ एक ये कि अरबेला का जो एक लॉक था हेयर का वो काट दिया लॉर्ड पीटर ने, तो उसकी वजह से इन दोनों की फैमिलीज में बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई थी. ठीक है, और वो लॉन्ग लास्टिंग चली, जबकि उससे पहले उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत लॉन्ग टर्म उनका जो है वो रिलेशनशिप था. सो कॉमन एक्वेंटेंस एंड वेल विशर टू बोथ डिसाइड मी टू राइट अ पोम टू मेक अ जेस्ट ऑफ इट, कि मैं इसको मॉक करूं थोड़ा सा एंड लव देम टुगेदर अगेन. सो इट वाज विद दिस व्यू दैट आई रोट द रेप ऑफ द लॉक. तो पॉप का ये कहना था कि ये वजह थी कि मैंने द रेप ऑफ द लॉक जो है वो लिखी. अच्छा जी, बॉर्न इन टू द अपर क्लास, अपर क्लास में क्योंकि पैदा हुई, अरबेला फॉर्मर वॉज द डॉटर ऑफ हेनरी फॉर्मर की बेटी थी वो, नॉन फॉर हर ब्यूटी, जिसकी ब्यूटी बहुत ज्यादा नॉन थी, लाइक शी वॉज द मास्टर पीस ऑफ ब्यूटी. सो शी वॉज द बेल ऑफ द लंडन सोसाइटी इन द अर्लीस्ट 18th सेंचुरी. एंड आफ्टर टेलिंग हर फैमिली अबाउट द इंसिडेंट इन्वॉल्विंग हर हेयर ऑफ हर लॉक ऑफ हेयर, दे वर ऑफेंडेड. जब उसको उनकी फैमिली को पता चला कि इस तरह से इसका लॉक काट दिया उन्होंने, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया एंड बिकेम स्ट्रेंज फ्रॉम देयर वंस गुड फ्रेंड्स. उनके साथ उनकी नाराजगी हो गई द पीटर्स के साथ. तो इन पॉप्स पॉम बेलिंडा रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर ऑफ अरबेला फॉर्मर. नाउ गर्ल्स, आप लोगों ने जो है वो इन चीजों को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए द वे आई ऑलवेज सजेस्ट यू, कि आप लोगों को जब मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ तो यू आर गोइंग टू राइट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर द वे वी गाइज वर डूइंग इन द प्रीवियस सेमेस्टर. तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स ताकि आपको जो है वो याद हो जाए साथ साथ. ठीक है, अच्छा, उसके साथ हमारे पास जो स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं ना, वो बैरन है और बेलिंडा है. ठीक है जी, लेकिन असल में जो जिनके ऊपर लिखी गई, जिनको मॉक किया गया, उसमें कैरेक्टर्स हैं जी अरबेला फॉर्मर है और लॉर्ड पीटर है. ठीक है जी, तो यू आर नॉट गोइंग टू मिक्स देम अप. अच्छा जी, although written in 1711 and published in 1712, the rape of the lock went through many stages before becoming the poem as we know it today. So the first version was only 2 cantos long. पहले सिर्फ 2 cantos थी. But with each version, the story became progressively longer. आहिस्ता आहिस्ता हर वर्जन के साथ longer होती गई. A year later, एक साल बाद, Pope improved upon his work by polishing the piece as well as adding elements from the supernatural. बाद में आपको इसके अंदर सुपर नेचुरल मशीनरी बेटा नजर आएगी, तो उसने उस सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को भी इसके अंदर ऐड किया. हाउएवर दिस वर्जन वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1714, अभी तक पब्लिश नहीं हुआ था. सो फाइनली इन 1717, अपॉन प्रिपेयरिंग फॉर पब्लिकेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ हिज वर्क, पोप रोट द वर्जन दैट वी नो टुडे. तो 1717 में जो वर्जन अब हम पढ़ते हैं वो 1717 में आखिर उसने पब्लिश किया. सो दिस वर्जन इज 5 cantos लॉन्ग. 5 cantos है जी इसकी, एंड इंक्लूड्स क्लारिसा स्पीच, क्लारिसा की स्पीच भी आती है जिसमें एक
करेक्टर है विच एड्स इन डिस्क्राइबिंग द मोरालिटी बिहाइंड द बॉम्ब, जो कि बॉम्ब के पीछे मोरालिटी उसको बताती है. हाउएवर इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बाय द टाइम Pope had finished the latest version, उसने खत्म किया. Lord Peter had died of smallpox, तो वो smallpox से मर गया. And Arbella was married, और Arbella ने शादी कर ली. So the feud which the poem was originally written to mend was no longer relevant. और वो इसको लिख कर उन दोनों के आपस की जो कशीदगी थी और जिस एक छोटी सी बात के ऊपर उन्होंने अपनी फैमिली का एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप खत्म कर लिया था, उसको खत्म करने के लिए, उसको मेंड करने के लिए पॉप ने ये लिखी थी. लेकिन जब उसका लेटेस्ट उसका जो लास्ट वर्जन था और जो लेटेस्ट वर्जन था, जब वो उसका एंड हुआ, तो जो लॉर्ड पीटर था वो स्मॉल पॉक्स से मर गया और अरवेला ने शादी कर ली. फिर तो फिर इस वो फिर अब ओरिजिनली तो जिस पर्पस के लिए वो लिखी गई वो फिर फुलफिल ना हो सका. अच्छा जी, okay, so Pope begins with an overview of the problem at hand. A baron has committed a terrible offense against a young lady, but we do not yet know what this offense is. Hame nahi pata. Now a self or spirit named Ariel, ek self hai, ek spirit hai, jiska naam hai Ariel, warns a young woman, wo ek young woman ko warn karti hai named Belinda, jiska naam Belinda hai, that an offense will be committed against her, ke kuch hone ja raha hai. उसको तैयार कर रही होती है बिलिंडा को. बिलिंडा को जो ना स्पिरिट्स तैयार करती थी, ठीक है, उसको ब्यूटीफुल बनाती थी, उसके बालों को सेट करना, उसका मेकअप एंड ऑल. ठीक है जी, ओके. सो बट शी डज नॉट इंक्लूड वेयर और व्हेन. अब उन स्पिरिट्स ने बिलिंडा को ये बता दिया कि कुछ होने वाला है, कुछ ऑफेंसिव, कुछ ऑफेंस, कुछ जाना होगा उसके खिलाफ, लेकिन क्या होगा और कहाँ होगा, वेयर और व्हेन, ये नहीं पता. बिलिंडा क्लियरली अ वुमन फ्रॉम हाई सोशल स्टैंडिंग प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर अ सोशल इवेंट बाय पुटिंग ऑन मेकअप एंड जनरली जस्ट डॉलिंग हरसेल्फ अप. अपने आप को तैयार कर रही होती है और मतलब सेल्फ जो है स्पिरिट्स उसको तैयार कर रही है. She travels to where the social event is being held. वहाँ travel करती है and is thought to be more beautiful than anyone else. Or it was said, it was considered that she is a pretty girl. ठीक है? तो she travels then and is thought that she is beautiful than anyone else. Her hair especially is always the object of envy. अब जो जिसपे बहुत ज्यादा एनवी किया जाता था, जिसपे बहुत ज्यादा लोग कहते थे उसको खूबसूरत, खूबसूरती का एक एलिमेंट था, वो उसके बाल थे, ठीक है, उसके हेयर. तो इसी के ऊपर बहुत ज्यादा हुआ ना, जब बैरन ने उसका एक लॉक काट दिया तो इशू बन गया, जिसकी वजह से लोग उसको इतना प्रेज करते थे. तो आपको पता है हेयर आर ऑलवेज और ऑलरेडी दे आर कंसिडर्ड द मेन सोर्स ऑफ ब्यूटी इन द गर्ल्स. So it was again the case over here. So a baron who specially admires Belinda's beautiful golden locks of hair, golden jiske locks the baalon ke, has decided to attempt to cut off a lock of her hair. Usne decide kiya ki wo koshish karega uska ek lock kaat de. As it would be the finest treasure he could hope to have. Kyunki ye uske paas sabse khoobsurat cheez thi Belinda ke paas. He so badly wanted this lock that he even prayed to the gods and lit an altar fire. The ridiculousness of this behavior for just a piece of hair is a good example of the satire that Pope employs. अब उसने, अब वो उसको इतना craze था और उसको इतना मतलब he was so badly wanting to cut the lock कि उसने उसके लिए दुआएं की और पता नहीं क्या क्या उसने उसके लिए किया. तो इसी चीज को तो उन्होंने पॉप ने जो है वो सेटराइज किया है उसमें. ठीक है जी, नाउ एवरीवन प्लेस अ कार्ड गेम कॉल्ड ओम्बर. वो कार्ड गेम खेल रहे हैं एंड ऑल्दो इट सीम्स क्लियर दैट द बैरन विल विन, ये लगता था कि बैरन ही जीतेगा. ठीक है जी, बट व्हाट हैपेंस देन. Belinda does not give up hope.
बेलिंडा भी जो है ना वो हिम्मत नहीं हारती. दिस गेम इज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑलमोस्ट लाइफ और डेथ सिचुएशन होती है. पॉप मेक्स द कार्ड गेम सीम लाइक एन इम्पोर्टेंट बैटल. और वो कार्ड गेम ऐसे होती है, ऐसे वो खेल रहे हैं कि जैसे मतलब लाइफ और डेथ सिचुएशन होती है ना, कि या आर है या पार है. तो ऐसे जो है ना, जैसे एक बैटल होती है, एक जंग लगी हुई है, ऐसे दे वर प्लेइंग द कार्ड्स. और ये भी सटायर है, ठीक है. And by doing so, he is in fact mocking high society for equating a card game to war. उन्होंने कार्ड गेम को वॉर के साथ उसे जो कंपेयर किया है, तो वो एक हाई सोसाइटी को उसने मॉक किया बहुत ज्यादा. सो द गेम एंड्स एंड बेलिंडा विंस. क्या होता है जी, बेलिंडा जीत जाती है. जबकि चांसेस किसके लग रहे थे, बैरन के लग रहे थे कि वो जीतेगा. नाउ क्लैरिसा फेचेस अ पेयर ऑफ सीजर्स. क्लैरिसा जो है वो पेयर ऑफ सीजर्स लेके आती है बैरन के लिए, टू कट बेलिंडाज हेयर, कि उस बेलिंडा के बाल काट ले. द बैरन कट्स अ लॉक फ्रॉम बेलिंडाज हेयर. वो काट देता है उसका लॉक एंड शी बिकम्स इन्फ्यूरिएटेड. उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा वो गुस्से में आ जाती है कि व्हाट हैज हैपेंड. सो अम्ब्रेल अजिनोम ट्रेवल्स डाउन टू द अंडरवर्ल्ड टू गेट बेलिंडा अ बैग ऑफ साइज एंड अ वायल ऑफ टीयर्स. अब उन्होंने कहा कि जी वो जो, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा जो कनेक्शन था और जो स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा हमें मिलता है, वो हमें टचेस मिलते हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के, ठीक है. और इस तरह जो बाकी जो उसके अंदर जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो हमें नजर आते हैं, ठीक है जी. तो यहाँ पे भी जो अम्ब्रेल जो कि एक जिनोम है, जिनोम होता है बेटा वन ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल क्रिएचर्स दैट लिव इन द अर्थ एंड गॉड इट्स ट्रेजर्स, ड्वार्फ कह लो आप, ठीक है. तो वो ट्रैवल करता है अंडरवर्ल्ड के वो बेलिंडा के लिए बैग ऑफ साइज लेके आए और टीयर्स लेकर आए, क्योंकि अब उसको बहुत ज्यादा रोना धोना करना है. सो द गिफ्ट्स वर ब्रॉट टू कम्फर्ट बेलिंडा. बेलिंडा को कम्फर्ट करने के लिए लाए गए थे. सो क्लैरिसा ट्राइज टू काम बेलिंडा. क्लैरिसा भी कोशिश कर रही है उसको काम करने की, काम डाउन, बट इट डज नॉट वर्क. लेकिन वो नहीं होती. बेलिंडा थ्रोज अ हैंडफुल ऑफ स्नफ एट द बैरन एंड अ बैटल बिगिंस. फिर लड़ाई शुरू हो जाती है. द बैटल एंड्स एंड द लॉक ऑफ हेयर इज नोवेयर टू बी फाउंड. उसका लॉक जो होता है हेयर का, वो वैसे ही खो जाता है उस सारी बैटल में, गुम हो जाता है. अच्छा जी, अब जी हम लोगों ने देखना है. सो दिस वाज द बेसिकली स्टोरी ऑल अबाउट. नाउ देयर आर सम ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑगस्टन लिटरेचर इंक्लूड द यूज ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन मॉडल्स ऑफ पोएट्री. वो यूज करते थे. पर्पज ऑफ पोइट्री वॉज थॉट टू बी इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट इन द पॉपुलेशन. उसका पर्पज होता था डायडेक्टिक, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्ट करे. तो यहाँ पे भी उन्होंने उनकी फोलीज को मॉक किया था, ताकि उनको पता चल सके हाउ दे आर बिहेविंग एंड हाउ लिटिल दीज थिंग्स आर. द आइडिया दैट ह्यूमन सोसाइटी शुड बी ऑर्डर्ड और बैलेंस्ड और रेशनल होना चाहिए ह्यूमन सोसाइटी को, जस्ट एज द यूनिवर्स वॉज थॉट टू बी. एनी अपसेट ऑफ दिस केयरफुल बैलेंस ऑफ नेचर कुड हैव कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस. तो अगर ऐसा नहीं होगा, ऑर्डर्ड नहीं होगी लाइफ, बैलेंस नहीं होगी, रेशनल नहीं होगा उसमें, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं. द यूज ऑफ सटायर बहुत ज्यादा था, आपने इसमें भी देखा सटायर बहुत ज्यादा है. इन ऑर्डर टू पॉइंट आउट फ्लॉज इन ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी. सोसाइटी में जो उसका जो बिहेवियर है और उनका जो उनके जो फ्लॉज हैं, उनको मॉक करने के लिए सटायर किया जाता था. सटायर आपको पता है बेटा, सटायर होता है कि जो आप पिन पॉइंट करते हो उनकी जो बिहेवियर्स को, उनको करेक्ट करने के लिए लोगों को, ठीक है. तो सटायर यहाँ पे ये था कि उसने बेलिंडा के लॉ का हिस्सा से ये बात लिखी और ये वो इस पे, जबकि वो दरअसल यहाँ पे जो उनकी लड़ाई थी अरबेला और जो है वो पीटर के दरम्यान में, उसको सॉर्ट आउट करना चाहता था, ठीक है, उनको रियलाइज करवा के कि ये बहुत छोटी बात थी. नाउ सटायर वाज यूज्ड टू मॉक सर्टेन बिहेवियर्स बाय पॉइंटिंग देम आउट एंड मॉकिंग देम. ऑथर्स होप्ड टू गेट पीपल टू करेक्ट देम. क्योंकि अगर हम उनको वैसे पिन पॉइंट करेंगे, बुरा कहेंगे विदाउट एनी मॉकिंग सीन, तो वो दे विल माइंड और वो एक बिटर चीज हो जाएगी. तो उस बिटरनेस को जो है वो खत्म किया वहां पे मॉकिंग सिचुएशन लाकर. लेकिन एट द सेम टाइम द पर्पस वाज टू टीच देम, वाज टू इंस्ट्रक्ट देम, वाज टू मेंड देयर वेज, ठीक है. पॉप सिग्निफिकेंटली एम्प्लॉयज टू ऑफ दीज राइटिंग स्टाइल्स इन रेप ऑफ लॉक. पहला द यूज ऑफ क्लासिकल मॉडल्स उसने इस्तेमाल किए एंड द यूज ऑफ सटायर इन ऑर्डर टू करेक्ट ह्यूमन फ्लॉज. तो उसने इन दोनों को यूज किया. क्लासिकल मॉडल्स में क्या आ जाता है बेटा,
Pope's piece is in the style of classical Greek and Roman epics, and more specifically, it is a parody to the abduction of Helen of Troy. जो हेलेन ऑफ ट्रॉय, आपको पता है कि शी वॉज कंसिडर्ड द ब्यूटी क्वीन, ठीक है, जिसमें डॉक्टर फॉस्टर्स में भी हेलेन का जिक्र है. एंड इन द क्लासिक ग्रीक एपिक, और उसमें जो है वो कंसिडर, शी इज कंसिडर्ड द मास्टर पीस ऑफ ब्यूटी. एंड द थेफ्ट ऑफ बेलिंडास लॉक इज कंपेयर टू द अबडक्शन ऑफ हेलेन, बिल्कुल इसके साथ इसको किया गया है. अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिकल एपिक्स इंक्लूड डिवीजन ऑफ द पोम इनटू कैंटोस और बुक्स, उसने भी डिवाइड किया. पोप डिवाइड्स हिज पोम इनटू 5 कैंटोस. उसके बाद में प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट्स और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, तो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स की प्रेजेंस भी है जी इसमें. सेल्फ्स आर प्रेजेंट इन दिस पोम, सेल्फ्स हैं, दे आर लाइक मिनिएचर्स गॉड्स एंड गॉडेसेस दैट आर प्रेजेंट इन ग्रीक एपिक्स, उनकी तरह है वो. इसीलिए तो वो उसको प्रोफेसी भी देती है, उसको कहती है कि कुछ ऑफेंसिव होने वाला है, एरियल कह रही होती है उसको. अंडरवर्ल्ड एपिक्स ऑफन हैव सीन्स टेकिंग इन द अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड से उसके लिए वो बैग ऑफ टीयर्स एंड ऑल आता है. इन पॉप्स फॉर्म वी यूज अम्ब्रेल विजिटिंग द अंडरवर्ल्ड, वो विजिट कर रहा होता है, ठीक है जी. सॉरी. अच्छा जी, उसके बाद में सोल्जर्स प्रिपेयरिंग फॉर बैटल, सोल्जर्स जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं बैटल के लिए, तो इसमें भी हमें कुछ ऐसे जो है वो सीन्स मिलते हैं. एपिक्स ऑफन डिस्क्राइब इन डेप्थ द आर्मर एंड वेपन्स दैट सोल्जर यूज फॉर बैटल, आर्मर और वेपन्स वगैरह यूज करते हैं सोल्जर्स जब बैटल वगैरह होती है. लेकिन इन द रोप इन दिस पर्टिकुलर जो है वो मॉक एपिक, पोप यूजेस दिस मेथड टू डिस्क्राइब बेलिंडा प्रिपेयरिंग हरसेल्फ विद थिंग्स सच एज पॉम्स और पेंट्स, के साथ वो उसको तैयार किया जा रहा होता है ना, उसके साथ इसको किया गया. ही राइट्स हियर फाइल्स ऑफ पेंट्स एक्सटेंड देयर शाइनिंग रोज पफ्स पाउडर्स पैचेस बाइबल्स बुलेट डॉग्स नाउ आफुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स, तब उसने वो सब कुछ पहन लिया. वो ऐसे ही बिल्कुल कहते हैं जैसे आर्मर और वो उसको वेपन्स पहन रहे होते हैं ना जंग में जाने से पहले, तो उसको पिंस लगाई जा रही हैं और उसको कॉम्स की जा रही हैं सब कुछ, ठीक है. तो ये अगेन क्रिटिसिज्म है, ठीक है, वो सेटायर है. He is clearly mocking Belinda's preparation by describing her pins etc. and the they were arms she would be doing battle with. ऐसे है कि वो उनके साथ उसने बैटल करनी है. Then comes satire. Pope uses satire in this poem to paint a portrait of England at this time and to point out its moral flaws. कि वो कैसे थे. The main apparent satire is of course the comparison of Belinda's stolen lock of the abduction of Helen of Troy. ठीक है, इसको जो उसने कंपेयर किया है, by making a huge deal out of such a trivial thing, Pope is mocking his society. उसको मॉक कर रहा है. एंड ही बिलीव्स दैट मेनी ऑफ इंग्लैंड्स फॉल्ट्स कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट ब्रिटिश सोसाइटी इज टू कंसर्न्ड विद फ्रिवोलिटीज एंड ट्रिवियलिटीज एंड इज वेरी सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, कि इंग्लैंड की सोसाइटी जो उस टाइम की थी ना, वो बहुत ज्यादा अपनी छोटी छोटी अपनी बेवकूफियों में और अपनी छोटी छोटी चीजों में दे वर वेरी मच अब्सॉर्ब्ड. अब मतलब वो शी इज जस्ट कंसर्न्ड विद हिज विद हर ब्यूटी और सिर्फ एक लॉ उसको अपने मतलब बहुत ज्यादा कि जी उसको तैयार करने पे स्पिरिट्स उसको तैयार कर रही हैं. और फिर व्हेन शी गोज इनटू द जो है वो पार्टी और जो भी, तो वहां पे जब उसका लॉक कट जाता है तो उसको एक बहुत बड़ा एक मसला बना दिया जाता है कि उस पर जंग छिड़ जाती है. Now, if the biggest problem these people have is that a lock of hair is stolen from a girl, and then they have it pretty good, and Pope uses this form in an attempt to hold a mirror up to his own society, कि उनकी society क्या कर रही है. He wants them to see that their woes are not woes at all, and that they need to start worrying about more important things in life, because the life that they currently lead is devoid of any meaning. क्योंकि वो एक अजीब सी life which is devoid, which is without any meaning they are spending. और इतनी छोटी छोटी बातों से बढ़ के भी बहुत important चीजें हैं जिंदगी में, तो they should worry about them instead of worrying on very trivial things. The people in it exist solely to dress up and engage in petty fights. छोटी छोटी लड़ाइयों में engaged हैं और बस उसको तैयार कर रहे हैं बेलिंडा को, मतलब everything is concerned with this.
So Pop's piece is also special because it was the first mock epic, first Jewish long narrative form, joke, and that was for the mocking reason it was written, which is in fact a sort of combination of the use of classical models and satire. Pop modeled his poem after his own translation of Homer's The Iliad, jisne ki a classical Greek epic thi. So yet also employed the use of satire to create a mock epic. तो उसने सटायर को इस्तेमाल किया मॉक एपिक के लिए भी, बिकॉज द नेचर ऑफ द पॉम बेलिंडा स्टॉलन लॉक ऑफ हेयर इज इन फैक्ट क्वाइट ट्रिवियल, बिल्कुल छोटी सी बात है ना. सो पॉप्स एजर्शन वैसे माइट बी यू गर्ल्स आर ऑल्सो थिंकिंग छोटी बात तो नहीं थी, उसने उसका लॉक ही काट दिया, बाल कैसे लगते होंगे नोहन. सो बट बेसिकली द एक्चुअल थिंग इज लाइक दैट दिस वॉज द वेरी लिटिल थिंग वर्ड worth noticing. So Pop's assertion that it is in fact of the utmost importance creates the satire that forms the mock part of the mock epic. So uske andar jo mocking situations hain, aur agar usko satire na kiya hota usko to matlab in this by using the amusement and by using funny statements to wo thoda harsh ho jata, bitter ho jata. Acha jab hum ek characters dekh lete hain ji, Belinda एक ब्यूटीफुल यंग लेडी है जिसके बहुत खूबसूरत बाल है, टू लॉक्स ऑफ विच हैंग ग्रेसफुली इन कर्ल्स, कर्ल्स में उसके जो दो लॉक्स आ रहे होते हैं आगे. बैरन है, यंग एडमायरर ऑफ बेलिंडा है जो कि पसंद भी करता है उसको, हु प्लॉट्स टू कट ऑफ वन ऑफ हर लॉक्स, किसको काट देगा. एरियल बेलिंडा की गार्डियन सेल्फ है, सुपर नेचुरल क्रिएचर है जो उसको गार्ड करती है और उसको तैयार वगैरह भी करती है. क्लैरिसा एक यंग लेडी है हु गिव्स द बैरन सीजर्स, देती है तुम लॉक काट लो, ठीक है जी. उसके बाद हम रेल है, स्पिरिट है एक, ठीक है, who enters the cave, ठीक है, who just enter the cave of the queen of Spleen to seek help for Belinda, Belinda के लिए help के लिए जाता है, ये spirit जाती है. Queen of Spleen कौन थी, कौन है जी, underworld एक goddess है, who gives umbrella gifts for Belinda, Belinda के लिए वो gifts देती है उसको. Celarges एक और जो है वो character है, friend है Belinda की, और she urges Sir Plum to defend Belinda's honor. उसको कहती है कि वो Belinda की honor जो है उसको करे, ठीक है जी. Sir Plum जो है वो Baron को scold करता है, और ये view है जी Clarice की, ठीक है जी. So this was basically the characters. I think this is all for today, and next we'll be discussing the later class inshallah.